गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं वीना खैर पिपी समाज सारा परिवार की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 60 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, आज हम व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण में सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम, सर्वनाम की परिभाषा क्या है? तो देखो, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञा का कार्य करता है उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी कि संज्ञा यानी नाम, और नाम की जगह जो शब्द हम रखते हैं, जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। देखो यहाँ पे उदाहरण दिया है कि ज्ञान बाबू स्कूल मास्टर है, ज्ञान बाबू बड़े ही उदार है। ये पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य है कि ज्ञान बाबू स्कूल मास्टर है, वे बड़े ही उदार है। देखो ये दोनों वाक्य में तफावत नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ज्ञान बाबू दो बार दिया है, जो अच्छा नहीं लगता, सही है ना। और नीचे ज्ञान बाबू स्कूल मास्टर है वे, तो यहाँ पे वे जो शब्द है वह किसकी जगह पे रखा है? तो वह ज्ञान बाबू की जगह वे शब्द का प्रयोग किया है। तो वे बड़े ही उदार है। तो देखो यहाँ पे ज्ञान बाबू एक बार है और दूसरी बार ज्ञान बाबू की जगह यहाँ पे वे शब्द का प्रयोग किया है, जिसे हम क्या कहेंगे? जिसे हम संज्ञा कहेंगे। आगे देखते हैं कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद है, कितने प्रकार है? 6। कौन कौन से? तो देखते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद सर्वनाम के हैं, जिसके बारे हम एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उसकी परिभाषा क्या है? तो बोलने वाले, सुनने वाले अथवा तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि पुरुषवाचक सर्वनाम में भी विद्यार्थी मित्रों 3 भेद है कि उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आता है कि जो बोलता है, सामने वाले व्यक्ति को बोलता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जिसके बारे में खुद के बारे में बात करता है, लेकिन जब खुद के बारे में बात करता है तब वह अपने नाम के जगह जो शब्द का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। देखो विद्यार्थी मित्रों, ये हमें लिखना नहीं है, ये हमें सिर्फ समझना है। समझ में आया? वैसे ही मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? कि सुनने वाले, कि जो व्यक्ति बात कहता है और सामने वाला सुनता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। और अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष किसको कहते हैं? कि जो व्यक्ति बात करता है लेकिन किसके बारे में बात करता है? कोई दूसरे, तीसरे आदमी के बारे में या तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करता है तो उसके नाम की जगह जो शब्द का प्रयोग करेंगे उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। यहाँ पे देखो उदाहरण में मैंने दिए है कि जो वाक्य में मैं, हम, तू, आप, यह, वह आदि शब्द का प्रयोग होता है तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। विद्यार्थी मित्रों, ध्यान से परिभाषा सुनना, देखना और उदाहरण में कौन कौन से शब्द आते हैं वह भी देखना, क्योंकि अब आपको इसके प्रकार लिखने होंगे कि जिस वाक्य में मैं शब्द का प्रयोग होता है, हम शब्द का प्रयोग होता है, तू शब्द का प्रयोग होता है, आप शब्द का प्रयोग होता है, यह, वह, वे, ये सारे शब्द का प्रयोग होता है तब वह कौन सा सर्वनाम कहलाएगा? तब वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। कि मैं विद्यार्थी हूँ, खुद के बारे में बात करते हैं, समझ में आए? तो आप कहाँ हो, तो ये वाक्य में जब ये शब्द का प्रयोग होगा तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, उसकी परिभाषा क्या है?
तो जिस सर्वनाम से पास या दूर की वस्तुओं का निश्चय पूर्वक बोध होता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि जिस सर्वनाम से किसी पास या दूर वस्तुओं का एकदम निश्चय पूर्वक, आपने अंग्रेजी में श्योर, एकदम श्योरली एवं कही ने, एकदम निश्चय पूर्वक कि आ वस्तु निश्चित है बराबर, एवं निश्चयपूर्वक बोध होता है हमें, हम उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखते हैं कि यह मेरा घर है, कि यह मैं जहाँ पे बैठी हूँ, जहाँ पे रहती हूँ वह मेरा घर है, निश्चय है, निश्चित है कि यह मेरा ही घर है। ये फूलों के पौधे हैं, निश्चित है कि ये फूलों के पौधे हैं। वह पत्र तुम्हारा है, कि ये जो पत्र है वह तुम्हारा ही है, निश्चित है। देखो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे यह, ये, वह, तो हम सब जानते हैं कि दूर की वस्तु के लिए वह और वे शब्द का प्रयोग करते हो, और नज़दीक की वस्तु के लिए हम यह और ये का प्रयोग करते हैं। तो यह, ये, वह, वे बराबर। तो जब कोई वाक्य ऐसा हो कि वह एकदम निश्चय पूर्वक वह वस्तुओं का बोध कराता है तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसकी परिभाषा क्या है? तो जिस शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, कि वो कोई एक शब्द हो, ये शब्द द्वारा कोई पण निश्चित व्यक्ति के वस्तु न, એટલે કે નિશ્ચિત નહીં હોય બરાબર, કે કોઈ આ રહા હે, હમ એસા બોલતે હૈ કે કોઈ આ રહા હે, તો આ તો રહા હે લેકિન કોણ આ રહા હે વહ હમે પતા નહીં હે, તો યહાં પે કોઈ શબ્દ જો હે વહ અનિશ્ચય હે। અગર કોઈ કી જગહ મે એસા બોલતી કે ભવિન આ રહા હે તો વહ નિશ્ચયવાચક હો જાયેગા, ક્યું? ક્યુંકિ હમે પતા હે કે ભવિન હી આ રહા હે, लेकिन कोई आ रहा है तो हमें कोई शब्द जो है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। देखो उदाहरण कि कोई कुंडी खटखटा रहा था, कुंडी यानी फिर दरवाजा खट खखड़ा भी है ना, ए कि कोई कुंडी खटखटा रहा था, देखो यहाँ पे कोई शब्द जो है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा, क्यों? क्योंकि दरवाजे के बाहर कौन है वह हमें पता नहीं है, लेकिन कोई तो है जो कुंडी खटखटा रहा है। कुछ करो तभी कुछ मिलेगा, यहाँ पे हमें एकदम निश्चित दिया नहीं है कि आप नौकरी करो, आप धंधा करो, समझ में आया, लेकिन क्या करो, कुछ तो करो, आप कुछ करोगे तभी कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे जो कुछ शब्द जो है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तीसरा है वे किसी से बात कर रहे थे, बात कर रहे थे वह निश्चय है, निश्चित है, लेकिन किससे बात कर रहे थे वह निश्चित नहीं है। तो यहाँ पे जो किसी से शब्द है वह कौन सा सर्वनाम कहलाएगा? तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। आगे देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध कि एक दूसरे के साथ संबंध बताते हैं, जो शब्द एक दूसरे के साथ संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो इसकी परिभाषा ऐसे ही है कि जो सर्वनाम शब्द एक दूसरे के साथ संबंध बताते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है कि जैसा देश वैसा वेश। देखो जैसा और वैसा ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ संबंध दर्शा रहे, तो जैसा देश वैसा वेश, तो ये जैसा और वैसा शब्द एक दूसरे के साथ संबंध दर्शाते हैं। अशोक जो कहता था वही करता था, कि अशोक जो कहता था जो और वही करता था, यानी कि जो और वही ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बताते हैं। जो चाहिए सो लीजिए, कि आपको जो चाहिए वो लीजिए, तो जो और सो जो है वह संबंध बताते हैं, इसलिए कौन सा सर्वनाम कहलाएगा? तो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। आगे देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसकी परिभाषा क्या है? कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए, ये क्या है, तुम कहाँ थे, तुम क्या कर रहे हो, तो देखो यहाँ पे प्रश्न पूछा, जिसमें जिस शब्द में जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो उदाहरण है वहाँ कौन खड़ा है, तो प्रश्नवाचक में क्या होगा, तो
वाक्य खत्म होने के बाद प्रश्नार्थ चिन्ह लगाया हुआ होगा और जो प्रश्न पूछा गया है कि वहाँ कौन, कौन से प्रश्न पूछा गया है कि वहाँ कौन खड़ा है, तो कौन शब्द जो है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। दूसरा है तुम्हारे पास क्या है, तो देखो क्या से प्रश्न पूछा है कि तुम्हारे पास क्या है, तो क्या जो है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा और वाक्य के अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह होगा। तुम्हें किससे मिलना है, किससे प्रश्न पूछा है, तो तुम्हें किससे मिलना है, तो यहाँ पे किससे है जो है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रश्नवाचक सर्वनाम ने वाक्य के अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह लगाया हुआ होगा और प्रश्नार्थ प्रश्न पूछा हुआ होगा, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निज यानी खुद का, अपना, बराबर। तो उसकी परिभाषा ही ऐसे ही आएगी कि जो सर्वनाम अपनेपन का बोध कराता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कि अपनेपन, जो वाक्य में अपनापन, अपनेपन जैसे शब्द जो शब्द का प्रयोग किया होगा उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो यहाँ पे पहला उदाहरण है कि यह अपना घर है, अपना यानी खुद का, कि यह हमारे खुद का घर है, यहाँ पे अपनेपन का बोध होता है, हाँ, तो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। दूसरा है जगन अपने आंसू न रोक सका, कि जगन रो रहा था तो खुद के आंसू न रोक सका, तो अपने अपने जो है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। वह स्वयं काम करने लगा, स्वयं यानी खुद, कि वह खुद काम करने लगा, तो स्वयं जो है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको कैसे याद रहेगा कि यह कौन सा प्रकार है, तो आपको उसकी परिभाषा परिभाषा का मुखपात करना होगा, परिभाषा को आपको पढ़नी होगी और जो उदाहरण दिए हैं वह उदाहरण को भी अच्छे से समझना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि संबंधवाचक सर आपको सिर्फ क्या याद रखना है। तो देखो पुरुषवाचक में क्या होगा, तो बोलने वाला, सुनने वाला और ठहरो जिसके बारे में कुछ कहा गया, यानी कि ये शब्द जो मैंने आपको बताया कि मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, आ शब्द, ये शब्द से जो वाक्य शुरू होगा वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। निश्चयवाचक यानी कि किसी पास या दूर वस्तुओं का निश्चय पूर्वक बोध होता है, यानी कि जो वाक्य दिया है वह निश्चित होगा, बराबर, एकदम श्योर होगा, तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा कि कोई भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, कि हमें पता नहीं होगा, तो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। संबंधवाचक यानी कि जो सर्वनाम शब्द एक दूसरे के साथ संबंध बताते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नार्थवाचक यानी कि वाक्य के अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह आएगा तो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। और निजवाचक सर्वनाम यानी कि खुद के बारे में अपनेपन का बोध कराता है तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते है। समझ में आया विद्यार्थी मित्रों, इतना आपको याद रखना है तो आपको कौन सा प्रकार है वह आपको आ जाएगा। आपको यह व्याकरण का टॉपिक यानी कि सर्वनाम आपको अच्छे अक्षर से आपको आपकी नोटबुक में यानी कि व्याकरण विभाग में लिखना है। थैंक यू।